करते हैं, दोनों में तो आराम है, दोनों में आराम है, बोलता नहीं है और चलता नहीं, एक पैर और एक हाथ बिल्कुल नहीं चलाता है। मच्छर के इसको दौरे पड़ते थे बच्चे को, दौरे तो हो गया बंद, अब इसको चलने की समस्या है, मतलब दिमाग से है ना बिल्कुल वो हो रखा है, इसको हम ना नेगेटिविटी का भी असर कह सकते हैं इसको, जो इस बच्चे के साथ बनी हुई है। देखो इसकी हालत, देखो इसको ना अकेल रही है, मतलब एक तरह से जैसे कोमा में बच्चा नहीं हो जाता वैसी हालत होती है, नेगेटिविटी का भी कारण हो रहा है। हेलो भाई, खड़ा रहा ऊपर करो की गलम वाले वाला ऊपर आ रहा है, सुनिए मतलब जा रहे हैं समझ गया। देखो गया चल, अदर देखो, यो चल के देखो, हम लोग क्या चलो चल के देखो, देखो जी देखो उल्टे आओ वापसी आ जाओ। कम होया, कम होया, दर्द कम हो गया और क्या आपको? इनको बेल्ट बंद हुई थी, बेल्ट बंद रही थी इनके L15 की दिक्कत थी, जो डिस्क में होती है, डिस्क सरक जाती है उससे, इसके दूसरा जाड़ा पर अभी दर्द था तो दर्द हाथ लगते ही दर्द चला जाए। हाँ बात कर लो आप, साइटी का है आप वहाँ पे लाइन में क्यों नहीं हो बाबू? ये बैठ सकती है चेयर पे, देखो माइक दुआ दो, आप इनके साथ आए हुए ना, जो इमरजेंसी है इनके साथ वालों को कोई झाड़ा नहीं लगेगा। अगर मैंने झाड़ा लगा भी दिया तो उनका आराम नहीं होगा, ये पहले ही बता रहा हूँ जी मैं, यहाँ पे झूठ का कोई काम नहीं है, सत्य का दरबार है, सच्चाई है, तो सच्चाई में ये सब ठीक हो रहे हैं, अगर आप झूठ बोलोगे तो बिल्कुल किसी के आराम नहीं लगेगा जी, तो आप चले जाओ जो एक्स्ट्रा बैठे। भाई जी आप खड़े हो सकते हो वहाँ पे है ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे झाड़ा लगवाओगे तो आपको आराम होगा, यहाँ पे मैं हाथ लगा के चला जाऊँ आराम नहीं होगा, इनके लिए है जो मजबूर है समझे। खड़े हो क्या है जी? दर्द है आपको, ये लेके चलते हो आप? यहाँ पे सिर पे हाथ रख सकता हूँ मैं आपके? खड़े हो अब दर्द बताना मेरे को, कहाँ पे बचा है? ये बचा है, छोड़ दो अब, छोड़ दो, अब थोड़े से चल के दिखाओ, छोड़ दे शुभम, छोड़, चलो माता जी एक का झाड़ा लगा दे। चलो 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 चलो, अब अपने उस पे चलो, चलो हिम्मत करो, चलो
चलो चलो चलो बोलो श्याम प्यारे की। कुर्सी ले आओ भाई इनके। ये घोड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा जी। चलने में कहाँ से आए हो बाबू जी आप? संत से आए। ये आपके एरिए से ही आए हैं पत्रकार महोदय, तो इनको आराम हुआ साथ के साथ आए। ज्यादा लगे आ रहा हूँ मैं आपके पास, सभी के पास आऊंगा। खड़े हो जाओ। हेलो हेलो। कौन सा कैंसर है इनको? ब्रेन का भी है, लंग्स का भी है। ब्रेन और लंग्स का कैंसर है। ढाई साल हो गया इलाज करने में। कहाँ पेन हो रहा है? ये पेन है यहाँ पे, हाथ लगा लूँ बेटा यहाँ पे? अब पेन देख। अच्छा थोड़ा बहुत था अभी हल्का हल्का। चलो इनको लंग्स कैंसर है इस बुढ़िया को, तो लंग्स कैंसर के कारण इनको पेन बना हुआ था, क्योंकि लंग्स जब अंदर से सुपट जाती है ना तो पेन बन जाता है। देखो ये भी यहाँ पे जो आ रहे हैं इनके, तो मोस्टली तो है ना यहाँ पे व्हील चेयर पा रहे, तो गिल गिल खड़े होगा, चलने का लू होगा। मंगलवार का झाड़ा इसलिए बंद करा क्योंकि एक तो ये दरबार है, ये लगातार 48 घंटे तक चल सकता है। शनिवार एतवार भीड़ ज्यादा थी, वो भीड़ का भी कारण हुआ है कि लगातार सेवादार इतनी सेवा नहीं कर सकते, तो इसलिए बस थोड़ा सा काम। अब जाना शनिवार और रविवार को होगा। शनिवार और रविवार बस। रविवार एक्सपो कमेटी का साथ कर रहा है, शनिवार और रविवार को 50% एक जाना। क्या आपको? आप तो मास्क हो ना, तू आ गया करो नीचे, आप तो आ सकते हो। चलो पहले आप रुजू हटा दो, हटा दी, ले जाओ इनको, इनको भी ले जाओ, इनको ले जाओ, जिनके साथी ये है ले जाओ इनको। क्या था इसको? अच्छा विनोद जी आ जाओ। 50% इस बच्चे को दो आता था, कब से आता था बेटा? इसको 6 महीने के आता था। जब ये 6 महीने का था तब से दो रहा रहा था। एम्स हॉस्पिटल से इसका खूब इलाज चल रहा है, मैंने कुछ नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट शनिवार को आया था, बहुत आराम है इसको, बहुत ज्यादा। और सेकंड बार मैं अब आया हूँ, मेरे को ये लगा बहुत आराम है, और मतलब नहीं हो रहा कुछ भी। हाँ जी नहीं जी, कोई पैसा नहीं लेते मिलते यहाँ पे, और सच्चा दरबार है जी, बिल्कुल सच्चा दरबार है। मेरी गुड़िया बहुत आराम है जी, 77% कम से कम आराम है। साइकिल जा रहा है ये, मैं नरेला से ही आया हूँ जी, स्वतंत्र नगर से। बहुत आराम है। कितनी बारी बोलते हैं आपको, कितनी बारी बोल चुका हूँ, चलो कहाँ पे ट्यूमर है? ट्यूमर पहले टेस्ट में था, फिर पीछे हो गया, अभी इस टाइम में लीवर में है, और रॉड इम्प्लांट रॉड डली हुई है, रेडी हड्डी में क्रैक है। अरे भाई आगे रहो, लो आधा रे बाकी, बाहर निकलो, बाहर निकलो, आगे हो बेटा। खोलिए बेटा इसने।
खड़ा हो जाए तू? हाँ, पेन बताना तेरे को कितना रहेगा, कितना खड़ा हो भाई, वहां बैठ जाओ, छोड़ दे, बैठा दे, नंबर आओ आपको, क्या क्या बैठ जाओ भाई साहब, इधर पेन बता बेटा, चल चल के देख, ओए परिक्रमा बंद कर दो, छोड़ देना, चल लंदे इसने वो ना पड़े हो, अरे बाबा के दरबार में आ गए तो चलान थी तो ठीक करा है, इसकी गेला रहे, वैसे गेला चला जा लिया इसने, चल नहीं रही थी पहले, इसकी स्पाइन है ना टूटी हुई थी, उसमें रोड डली थी तो पेन था इसको, बच्चे को बहुत ज्यादा पेन था, तो बेल्ट खुलवाई है, अभी वो चल रहा आपके सामने ही है, सब कुछ है सामने है साक्षात, बहुत आदमी बीच में बढ़ गया जी, थोड़ा गेट खोलते हैं ये, कोई आदमी गेट खोल अपने घुटनों पर आ बच्चे आओ 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 भैया आओ आओ, चलो चलो बच्चे चलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, चलो बच्चों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कब से था बेटा ये? जन्म से था, पहले अपने घुटनों पे खड़ा नहीं होता था ये, अच्छा दूसरा जाड़ा है ये, तीसरा जाड़ा, इत्र की मालिश करनी है और आराम हो जाएगा, चल आप क्यों बैठे, चलो बाहर जाओ, वहाँ जाओ तुम, लाइन में चलो, लाइन में आओ, सिर्फ इमरजेंसी है यहाँ, सिर्फ उनको लगेगा, ये इतर लगा बेटा, दोरे दोरे पड़े इसके, आपको भी कह रहा हूँ इतर की मालिश करनी है, मेरा नाम लेके करनी है, पैरा की शीर की सारे, चलो चलो चलो, आपको नहीं लगेगा बेटा, क्या है इसको, पहली बार आई है, बेटा यहाँ है ना बच्चे ने ले रही है ना, तुम चलो लाइन में आ जाओ, वहाँ भीड़ हो रही है, यहाँ नहीं मंदिर में, दो रे बेटा डेली आ जा, आंखों से और पैरों से क्या आपको, इनका आंखों और पैरों से नहीं लाइन में, आपको क्या, आंखों और पैरों से मौसम खराब हो गया गुरु जी, बस देखो जी बृहस्पतिवार को प्रे पर आएंगे, दारू के धागे, कोई स्मैक पीता हो, कोई फीम खाता हो, कोई भी नशा करता हो उसके धागे बनते हैं, शनिवार को एतवार को कोई बीमारी हो टू जेड उसके झाड़े लगते हैं, यहाँ खाने की व्यवस्था भंडारा चलता रहता है, चाय की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है, धर्मशाला लौटने की व्यवस्था है यहाँ की, कॉन्टेक्ट नंबर जी हमने दे रखे अपने भगत जी का वो बना रखी है, ठीक है उस पर दे रखे हमने, उस पर नंबर लो, हम लाइक भी करना है लोगों के, अब अपना नंबर ले लो, उस पर लाइक कर लो अपने, उसके ऊपर नंबर आ जाए तुम्हारा, किस किस दिन को झड़ा लग रहा है दोबारा बताना जी आपको, ये बृहस्पतिवार को जी ओपरे पर आएंगे झाड़े लगते है दारू के, शनिवार को और एतवार को कोई भी बीमारी हो शरीर के अंदर ए टू जेड उसके झाड़े लगते है जी, टोकन कैसे लेना पड़ता है, टोकन जी सुबह बैठने चालू एक दिन पहले पब लगाती है, दूर से जो दूर से आता है वो एक दिन पहले आ जाता है, टोकन जी सुबह 4 बजे बटने चालू हो जाते हैं, 2 बजे थी बांटते टोकन,
कोई राशि नहीं जी, हाँ ये दरबार ऐसा है, कोई पैसे लेता तो हमें बताओ, या कोई पैसा किसी से लेना, सबकी सेवा करनी बस खाली। हाँ ठहरने की व्यवस्था जी, धर्मशाला हमारे पास, रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। तो जो लोग देखने वाले हैं आप मंदिर की तरफ से, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आने के लिए, या कोई समस्या आप महसूस कर रहे हैं, लोग ज्यादा आ रहे हैं या इस तरह? हम तो ये कह रहे थे कि लोग कितने आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं आने की, आराम से व्यवस्था बनाओ, बैठो आराम से, सबका नंबर आओ, गुरु जी सबका झाड़े लगाओगे, बैठो आराम से, चाय पियो, खाना खाओ। अब पब्लिक मानते नहीं जी, लेडीज खासकर नहीं मानते, वो उसके ऊपर गाली क्लोज करती है हमारे साथ। यहाँ जो भी आएगा झाड़ा सबको लगेगा, आराम से बैठो, व्यवस्था बना रखो। अब व्यवस्था बनाती नहीं पब्लिक, वो उसके ऊपर गाली क्रॉस करना, ये बदतमीजी करते हैं आगे जी। चलो, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल शाह रावत है जी। आप यहाँ सेवादार हो? सेवादार हूँ जी, हमें सरू से, भवाना गाँव से। ठीक है जी, जय श्री श्याम।